पुलिस के सिरदर्द बन चुके एटीएम लूट गैंग का पर्दाफाश करने में आखिरकार संभल पुलिस को सफलता मिली गई। बीते दिनों इस गैंग ने संभल और मुरादाबाद जिले के एटीएम काट कर दोनों जिलों से 26 लाख रुपए लूट लिए थे और अन्य जिलों में भी ये गैंग लगातार सक्रिय था, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इनके पास से 13 लाख रुपए सहित एटीएम काटने के उपकरण और अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। तिहाड़ जेल में रह चुके गैंग के सरगना संभल निवासी आसिफ ने अपने साथियों के साथ मिलकर संभल और मुरादाबाद में एटीएम से 26 लाख रुपए लूट कर ली थी, जिसके बाद से मुरादाबाद और संभल पुलिस को एटीएम लूट गैंग की तलाश थी। आरोपियों ने सबसे पहले 20 जून को संभल के थाना नखासा क्षेत्र में एटीएम काटकर एटीएम से 10 लाख रुपए लूट की, जिसके बाद 5 जुलाई को मुरादाबाद सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक एटीएम से 16 लाख रुपए लूट लिए थे। पुलिस ने खुलासे में बताया कि गैंग का सरगना आसिफ 2011 में हत्या के आरोप में तिहाड़ जेल में रह चुका है। वहीं से इसको 2 साथी मिले और लॉकडाउन में इनको पैसों की जरूरत पड़ी तो इन्होंने एक एटीएम काटने वाले शातिर को अपने गैंग का सदस्य बनाया और रेकी करके संभल के एटीएम से 10 लाख रुपए उड़ा लिए, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक पैसे कम पड़ने पर आरोपियों ने 2 ग्रुप में बंटकर फिर प्लान बनाया और संभल मुरादाबाद के अलावा रामपुर में एटीएम की रेकी शुरू की, जिसके बाद 5 जुलाई को संभल पुलिस ने संभल के नखासा थाना क्षेत्र में गैंग के 2 सदस्यों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गैंग के दूसरे ग्रुप ने मुरादाबाद में कामयाबी हासिल कर ली और मुरादाबाद के एटीएम से 16,74,000 रुपए लूट लिए। फिलहाल संभल पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित गैंग के बाकी 4 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 13 लाख रुपए और एटीएम काटने के उपकरण भी बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों की पहचान आसिफ, रिजवान, शौकीन उर्फ सानू, राहिल, आजाद के नाम से हुई है। ये जनपद संभल में 16-17 तारीख को एक एटीएम लूट की घटना हुई थी। उसके बाद मुरादाबाद में 4-5 तारीख को एक एटीएम लूट की घटना हुई थी। इसी क्रम में मुकदमा लिखा गया था, टीमें बनाई गई थी और लगातार कार्रवाई की जा रही थी। इसमें अभी एक अंतर्राज्यीय गैंग पकड़ा गया है, जिसमें मुख्य रूप से आसिफ जो व्यक्ति है, इसका सरगना उसी ने सारे प्लान को एग्जीक्यूट किया। आसिफ संभल का रहने वाला है, नखासा थाना क्षेत्र का। ये तिहाड़ जेल में बंद हुआ था 2011 में, हत्या के जुर्म में बंद था। वहाँ पर इसका परिचय हुआ राहिल उर्फ आजाद से। वहाँ पे उसके तिहाड़ जेल के अंदर ही उसका साथी उससे परिचित हो गया और उसके बाद ये लोग बाद में भी आना जाना, इनका आपस में मिलना जुलना जारी रहा। अभी लॉकडाउन के दौरान इन लोग को जब पैसे की तंगी होने लगी, काम छूट गए, तो इन लोगों ने, राहिल आज़ाद ने आसिफ से कहा कि कोई काम देख लिया जाए तो इनको कोई पैसे की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। आसिफ का एक मित्र है इशरत, जो बदायूं का रहने वाला है, उससे भी इन्होंने चर्चा की। तो इशरत ने बताया कि उनके कांटेक्ट में एक शाहरुख नाम का लड़का है जो एटीएम काटता है, बहुत बढ़िया एटीएम काट लेता है। तो उसको मिल करके इन लोगों ने, राहिल आज़ाद, आसिफ, इशरत, शाहरुख, इन सब ने मिल करके एक प्लान बनाया और उस 10-12 दिन पहले, घटना संभल में करने से 10-12 दिन पहले वो लोग संभल में आए और उसके बाद शाहरुख ने राहिल आज़ाद को, जो डाई बनाने का काम करता है और 10वीं तक पढ़ा हुआ व्यक्ति है, तो उसको सिखाया कि कैसे हम लोग एटीएम को काटेंगे, उसको कैसे पर्टिकुलर 7 सेंटीमीटर दूर से कट करके एल शेप में ऊपर से ले करके फिर नीचे तक लाएंगे, फिर एल शेप में कट करेंगे, एक स्पेसिफिक एरिया में कट करेंगे, जिससे कि जो लॉकर का बोल्ट लगता है, लॉक लगता है, वो वहाँ से खुल जाएगा, पूरा लॉकर खुल जाएगा और पूरा पैसा उसमें से निकल जाएगा। ये लोग इसकी एक्सपर्टीज़ के लिए एक मोटी चादर भी खरीद के लाए और उसके बाद उसको लगातार काट करके राहिल आज़ाद वगैरह ने इसको प्रैक्टिस किया कई दिनों तक। जब ये साउंड हो गए उसमें कि हाँ हम लोग ठीक ठाक से घटना कर लेंगे, तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि अब एक दिन इकट्ठा होते हैं, उसके बाद घटना कारित करते हैं। 16 तारीख को ये लोग दिल्ली से, राहिल आज़ाद, शौकीन उर्फ सानू जो छोटा हाथी पहले चलाता था वो, और रिजवान जो लंबे कदकाठी का है, ये तीनों मिलकर के दिल्ली से आए और जो आसिफ है संभल का रहने वाला, इसने इशरत और शाहरुख को बुला लिया और सभी लोग अमरोहा में जोया में एक बंद पड़ी फैक्ट्री थी वहाँ पे इकट्ठा हुए। वहाँ से लेकर के आसिफ इनको संभल आया, संभल में इन लोगों ने एटीएम की रेकी की। रेकी करने में इन्होंने कई पॉइंट का ध्यान रखा कि उसमें सेंसर ना लगा हो, उसमें अलार्म ना लगा हो, सिक्योरिटी फीचर उसमें मजबूत ना हो, इस चीज़ों को इन्होंने चेक किया। दूसरा, इनको ये आइडिया था कि मंगलवार और शनिवार को ही पैसे भरे जाते हैं एटीएम में, जिसकी इन्हें जानकारी थी पूर्व से ही, और इसको फोकस करते हुए इन लोगों ने एटीएम के बाहर रह करके ये देखा कि
कोई व्यक्ति उसमें से जितने पैसे निकाल रहे हैं, अगर वो 2000 का नोट निकाल रहा है तो इसके मतलब एटीएम में ज़्यादा है, अगर 500 का नोट निकाल रहा है तो उसमें पैसे कम हैं। इस तरीके से ये लोग उसको पर्टिकुलर स्पेसिफिक तरीके से रेकी करके एटीएम को टारगेट किए। तो जो संभल में इन्होंने टारगेट किया, बैंक ऑफ बड़ौदा का एक एटीएम था आर्य समाज रोड पे, उसको टारगेट किया। उसमें अंदर शाहरुख और साहिल रात में सुबह करीब 3-4 बजे के आसपास उसमें घुसे। अंदर शाहरुख और साहिल, उन्होंने फिर एटीएम को काटा। बाहर उसमें आसिफ और रिजवान खड़े हुए थे उसको सिक्योर करने के लिए, और उसके बाद इशरत और शौकीन गाड़ी में बैठे हुए थे। इसके बाद ये लोग वहीं पे आसपास घूमते रहे। गाड़ी में भी नंबर प्लेट इन्होंने डुप्लीकेट बनवा रखा था, अमरोहा से, अमरोहा का ही नंबर प्लेट था, उसको लगवा रखा था। और उसके बाद ये लोग उसको टारगेट किए हुए थे, वहाँ पे सुरक्षा दे रहे थे। फिर जब अंदर से कटिंग करके इन लोगों ने संभल के एटीएम से 10 लाख रुपए निकाले, और 10 लाख रुपए ले करके, और उस जो काटने का अपैरेटस, गैस सिलेंडर और तमाम चीज़ें थी उसको सब ले करके गाड़ी में रख लिया इन्होंने। फिर वापस यहाँ से जोया गए। जोया में इन लोगों ने पैसे का बंटवारा किया, तो 6 लोगों में 1.5-1.5 लाख के आसपास इन लोगों का बंटवारा हो पाया। तो चूँकि पैसे कम मिले, उसके बाद ये लोग चले गए। फिर इन लोगों ने पैसे कम मिलने की वजह से अगला प्लान बनाया कि अब इस बार हम लोग कई एटीएम में टारगेट करेंगे काटने का। उसके 10-12 दिन बाद इन लोगों ने, ये लोग पुनः इकट्ठा हुए वहीं जोया में, जो बंद पड़ी फैक्ट्री थी वहाँ पे इकट्ठा हुए, जिसमें आसिफ, शाहरुख, इशरत और ये राहिल, रिजवान, शौकीन और सानू, ये सब इकट्ठा हुए वहाँ पे। वहाँ से फिर ये लोग संभल आए। संभल में उन्होंने रेकी की एटीएम की, मुरादाबाद में एटीएम की रेकी की, और रामपुर में भी एटीएम की रेकी की। पूरे एरिया में ये लोग शाम तक घूमते रहे। और उसके बाद ये तय किया इन लोगों ने कि जो इशरत और शाहरुख हैं ये संभल में अब एटीएम काटेंगे, वहाँ जाएंगे, और जो बाकी 4 लोग हैं वो मुरादाबाद में काटेंगे, और काटने के बाद आ करके इन लोग इनको ज्वाइन करेंगे, इशरत और शाहरुख को भी ज्वाइन करेंगे ये लोग। तब तक ये दूसरे एटीएम की रेकी करके उसके काटने की तैयारी करके रखेंगे। इन बिटवीन शाहरुख और इशरत उस दिन पकड़ गए, पुलिस संभल पुलिस के द्वारा पकड़े गए, और मुठभेड़ में उनकी गिरफ्तारी हुई। बाकी बचे हुए लोग जो मुरादाबाद में थे, आसिफ, रिजवान, शौकीन और सानू, राहिल, आज़ाद, इन लोगों ने वहाँ पे एटीएम काटा जो सिविल लाइन आसियाना कॉलोनी काट रोड मुरादाबाद में एटीएम था उसको वहाँ पे काटा। उसमें आज़ाद, शौकीन, रिजवान, ये सब वहाँ पे इकट्ठा थे। इसमें जो रिजवान है, रिजवान खान जो है, ये लंबा तगड़ा आदमी है, ये बाहर खड़ा रहा, और अंदर शौकीन नहीं, अंदर राहिल उर्फ आजाद, अंदर राहिल उर्फ आजाद जो है वो गया। अब वहाँ जा करके उसने एटीएम को काटा। इसी बीच में दो वहाँ पे जो उसके वो थे चौकीदार, वो आ गए, जिसको रिजवान ने रोक लिया, कंधे पे हाथ रख करके बैठा लिया और रोक लिया वहीं पे। और उसके बाद एक साथी उसका आया, उसको भी रोक लिया, वहीं पे बैठा लिया, बैठाए रहा, उनका फ़ोन ले लिया, उनको कहीं फ़ोन नहीं करने दिया। अंदर से जो ये राहिल आज़ाद है, इसने पूरी एटीएम कटिंग की, और वहाँ से 16 लाख रुपए लेकर के ये लोग गाड़ी में रखे और इधर आ रहे थे संभल की तरफ। तो देखें यहाँ पुलिस की गाड़ियों के काफ़ी मूवमेंट है, तो ये लोग सीधे फिर जोया निकल गए। जोया निकलने के बाद 65,000 रुपए इन लोगों ने लिए, बाकी 10 लाख रुपए, चूँकि बड़ा अमाउंट था, वो ये सोचे कि अगर हमारी गाड़ी में सीधे 10 लाख लेके जाएंगे और पकड़ गए तो इसका जवाब नहीं दे मिलेगा। तो 10 लाख रुपए आसिफ को यहीं पे दे के संभल में उसको छोड़ दिया, और बाकी सब लोग दिल्ली निकल गए। उसके बाद ये सारे लोग अब पकड़े गए हैं, इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है। राहिल आज़ाद और शाहरुख, इसके मास्टरमाइंड है जो एटीएम काटते थे, आसिफ जो पूरी प्लानिंग करवाता था, सबको इकट्ठा करता था, और शौकीन और रिजवान इसमें उनका साथ देते थे, ये सारे लोग पकड़े गए हैं। इससे पहले इशरत और शाहरुख पकड़े गए थे, बाकी बचे हुए 4 लोग पकड़े गए हैं। अब सभी को जेल भेजा जा रहा है, विधि कार्रवाई की जा रही है। हाँ, इसमें एक सबसे बड़ी बात जो निकल के आई कि इसमें दो रिजवान और राहिल आज़ाद दो फर्जी आप तक का पत्रकार बन करके आई कार्ड बनवाए हुए थे, और फर्जी आई कार्ड यूज करते थे। इन्होंने गाड़ी पे भी लोगो लगा रखा था आज तक का, और आप तक का मीडिया आप तक का पत्रकार बन के फर्जी लोगों को कि कहीं चेकिंग हो जाए या कहीं बात हो जाए तो मीडिया का अपना लोगो प्रयोग करके और आई कार्ड दिखा करके ये अपना बचाव कर लेंगे। इस तरीके से जो रिजवान है और राहिल आज़ाद, ये दोनों आई कार्ड बनवाए हुए थे, फर्जी आई कार्ड, आप आज तक का, मतलब आज तक के रूप में आप तक का, मीडिया आप तक का बना रखा था उन्होंने लोगों, दिखने में वो आज तक का था लेकिन उसमें एक्चुअल में ध्यान से पढ़ने पे आप तक का वो दिखाई देता।
इस तरीके से इन्होंने एक फ्रॉड किया है जिसका अलग से मुकदमा लिखा जा रहा है। सर कितना कैश बरामद हुआ है? पैसा इनसे पूर्व में 3.5 लाख रुपए बरामद हुए थे, आज 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं। टोटल 13.5 लाख रुपए इनसे बरामद हुए, 26 लाख की टोटल दोनों लूट हुई थी। 10 लाख रुपए संभल से और 16 लाख रुपए की लूट मुरादाबाद से हुई थी। टोटल 26 लाख की लूट हुई थी और जिसमें 13.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। एक स्विफ्ट गाड़ी VDI बरामद हुई है और ये गैस सिलेंडर, काटने के औजार, ये सब बरामद हुए हैं। इसमें 3 तमंचे 12 बोर के, 1 तमंचा 315 बोर का, और उसके बाद ATM कार्ड, फर्जी ATM कार्ड इनके पास भी है, वो भी बरामद हुआ है। 4 ATM कार्ड, आई कार्ड जो मीडिया का इन्होंने बना रखा है, आप मीडिया आप तक का, वो बरामद हुआ है, और ये सारी चीज़ें इनके पास से बरामद हुई हैं। इनका आपराधिक रिकॉर्ड बड़ा विस्तृत आपराधिक रिकॉर्ड रहा। इसका राहिल उर्फ आज़ाद जो है, इसके ऊपर 8 आपराधिक मुकदमे हैं। ये लगातार लूट, चोरी, इस टाइप के मुकदमे हैं इनके ऊपर। और जो आसिफ है वो 2011 में 302 का अपराधी था, हत्या करने का अपराधी था, और ये सब तिहाड़ जेल में बंद थे। इसमें आसिफ है उसके ऊपर भी आपराधिक इतिहास है, शौकीन है उसका भी आपराधिक इतिहास है, सभी लोगों के अपने आपराधिक इतिहास है जो तिहाड़ जेल में बंद थे, कई कई जेलों में बंद रह चुके हैं पूर्व में भी। सर